हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एच वर फिजिक्स लर्निंग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को देखेंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। अब बेसिक मैथमेटिक्स का हमें आवश्यकता क्यों पड़ा अभी खुद का, इसके इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर दिया था, इलेक्ट्रिक करंट का, और उसमें मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो है कि कितना चार्ज पास करता है और वहाँ पे करंट कितना होता है ये हमको दिखाना था। तो वो होता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये टर्म आपके लिए नया है, डी क्यू। तो ये जो है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें मैं कवर कर लूँगा। तो आपको ये सारी जो है कि चीज़ें और इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपको फिजिक्स में यूज करने के लिए आएगी, इसलिए मैंने पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का फैसला लिया, ठीक है ना। वैसे वो सेक्शन भी आपका चलता रहेगा और बेसिक मैथमेटिक्स भी चलता रहेगा, ठीक है। वैसे बेसिक मैथमेटिक्स स्पीडली थोड़ा निकलेगा और जो फिजिक्स वाले सेक्शन है वो थोड़ा धीरे धीरे इधर चलेंगे, क्योंकि जो है कि बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद आपको जो है कि जो मैं चाहूँ जितना तक चाहूँ वो पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। अभी ये नहीं बताया, इसके बाद में बहुत सारे मुझे रिमूव करने पड़ेंगे आपके सिलेबस से, तो पढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए जो है कि पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो है कि पढ़ाने का फैसला। और वैसे आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा वो होगा, वो आप जाकर के मैथ के सिलेबस में भी बनाओगे उसका क्वेश्चन, तो आपसे पूरे अच्छी तरीके से बनेंगे वो क्वेश्चन, उसका कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। जैसे लॉगरिथम आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में, तो आप जाकर के लॉगरिथम का क्वेश्चन उठाओगे और मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, किस टाइप के दिए होंगे तो, और कौन से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं जितना बताऊंगा कि इतना बनेगा वो गारंटेड बनेगा, ठीक है ना। और फिर से मैं बता दूं कि IIT JEE नीट और एम्स जितने भी हैं उनके फाउंडेशन का कोर्स चलता है फिजिक्स मैथ, और नीट और एम्स में तो मैथ पूछता नहीं है सिर्फ IIT JEE के लिए, लेकिन फिजिक्स तो सारे में ना पूछते हैं, तो उनका जो है कि फाउंडेशन सीरीज चल रहा है। और ये फिजिक्स के लिए आपका बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैथमेटिक्स अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो लॉगरिदम जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ दिया हुआ है और लॉगरिदम फंक्शन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको एक्सपोनेंशियल भी नहीं पता होगा, यहाँ पे डोमेन नहीं पता होगा, रेंज नहीं पता होगा, पीरियड नहीं पता होगा, नेचर नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इनसे आपको कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा तो समझ जाओगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लॉगरिदम को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो लॉगरिदम, जैसे लॉगरिदम है, ठीक है ना, ये जो टॉपिक है इसका लॉग का ग्राफ जो होता है ना, ये होता है लॉग का वो ग्राफ जो ये होता है उसका बेस जो होता है ना ए ग्रेटर देन वन होता है। अब आपको बेस भी नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, लॉग वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन लॉग है और ए और बी है, तो इसको क्या पढ़ोगे, इस पूरे टर्म को लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी टू बेस ए, ठीक है। इसको पढ़ोगे लॉग ऑफ बी टू बेस ए, ठीक है ना, इसको पढ़ने का तरीका है। और यहाँ पे इस फंक्शन के लिए ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। इस फंक्शन के लिए जो आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के लिए आपको ए ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और बात जान लीजिए कि जैसे लॉग जो था ना, लॉग बी और ए था, तो बी कभी भी जो है ना, कभी भी ए ग्रेटर देन जीरो हो या फिर ग्रेटर देन वन हो, बी कभी भी ग्रेटर देन जीरो होगा, निगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ इसके लिए आपको ए ग्रेटर देन वन है, तो कभी भी आपको ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो भी कभी नहीं होगा, और ए जो है ना ये कभी एक के बराबर भी नहीं होगा, एक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक के बराबर नहीं होगा, ये जो है कि ये वन के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप जान लीजिए, वैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पे आप इसको जान लीजिए।
तो यहाँ पे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल पहले फंक्शन को मैं बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है, ex, ठीक है? तो ये एक्सपोनेंशियल हुआ, और इसी का जो अपोजिट होता है वो लॉग का फंक्शन होता है। व्हेन ए ग्रेटर देन सी, सॉरी वन। अब आप एक और बात समझिएगा कि ए वन के अलावा भी कब कब लाइज करते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप ग्राफ ऑफ लॉग एक्स टू बेस ए, ठीक है, उसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। व्हेन ए ग्रेटर देन वन, जब ए क्या हो, वन हो, तो मैंने देखा पीछे मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है कि होता है ग्राफ उसका। लेकिन यदि ए का वैल्यू जो है कि जीरो और वन के बीच लाइज करे तो क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा? सिर्फ आपको मैं ग्राफ बता रहा हूँ, इस पर कोई बात नहीं बताने वाला। तो ये जो है कि ऐसे बनेगा, इसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड इसको आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको इंक्रीजिंग और इसको डिक्रीजिंग, इतना बात आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप लेक्चर देखना ही बंद कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर स्कूल में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये जानो कि ये ग्रेटर देन वन पे ऐसा ग्राफ होता है, और जब जीरो और एक के बीच होता है तो कैसा होता है, आपको मैंने बताया, ठीक है ना। और एक के इक्वल ए होता ही नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया कि बेस जो है कि कभी भी वन के इक्वल नहीं होता है। अब डोमेन और रेंज, इसका मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ कि डोमेन और रेंज का मीनिंग होता है क्या। डोमेन का आप सिंपली मीनिंग ये ले सकते हो, डोमेन मीन्स आप सिंपली एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है, और रेंज मीन्स पाई एक्सिस, ठीक है। तो डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस और रेंज मीन्स वाई एक्सिस, यानी ये ग्राफ जो है कि एक्स एक्सिस पे कितना टू कितना, कहाँ से कहाँ तक है, और वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक, तो ये ऊपर की तरफ कितना जाएगा अभी कोई पता नहीं, यानी इन्फिनिटी तक जा सकता है, और नीचे से कितना से आ रहा है वो भी पता नहीं, यानी माइनस इन्फिनिटी से, यानी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन वही डोमेन, अब देखिए इस जीरो से इधर से ही ना है ग्राफ, जस्ट इसको टच कर रहा है, यानी जीरो से तो बड़ा होगा, और इधर कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं इधर, ठीक है। आप ये जो है कि डायरेक्ट एक्स एक्सिस से पैरेलल भी नहीं है और वाई एक्सिस से भी नहीं, ये ऐसे बढ़ रहा है, तो ये वाई में भी जा रहा है और एक्स में भी जा रहा है, तो इधर इन्फिनिटी तक जाएगी, तो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। अब ये पीरियोडिक है कि नहीं, पीरियोडिक आप डायरेक्ट जान लीजिए कि नॉन पीरियोडिक होता है, इस पर आपको ज़्यादा जो है कि देखने की कोई आवश्यकता नहीं है पीरियोडिक को, ठीक है। और नेचर जो है वो ऑड है या इवन, तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो सारे के सारे टर्म को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो और ना तो ऑड फंक्शन है और ना ही इवन फंक्शन है, ठीक है ना, बस इतना आपको अभी याद ही कर लीजिए, ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। और लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, लॉगरिथम जो यूज में है आपके फिजिक्स में वो हो जाने चाहिए, बस इतना हमको देखना है, ठीक है ना। तो जो इनसे रिलेटेड टर्म्स है कुछ, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रिलेटेड टर्म्स है उनको देख लेते हैं। द नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम टू बेस ई। अब ई का जो वैल्यू होता है वो इतने के इक्वल होता है, वेयर ई इज इरेशनल कॉन्स्टेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71821828। द नेचुरल लॉगरिथम इज रिटन एज ln x, ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर log ऑफ ई टू बेस, सॉरी log ऑफ x टू बेस e, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम टू बेस 10, यानी जो कॉमन लॉगरिथम होते हैं ना उनके बेस क्या होते हैं, 10 के इक्वल होते हैं, यानी 10 होता है, और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसका बेस कितना होता है, ई होता है, ई, और उसका वैल्यू क्या है, 2.71828182828,
ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम इज रिटन एज, यानी ई के जगह पे आप ये ला दो, आप इसको एल एन एक्स नहीं लिख सकते हो, इसको एल एन एक्स नहीं लिख सकते, एल एन एक्स सिर्फ इसी को आप लिख पाओगे, ठीक है ना, जिसका बेस ई हो, ठीक है ना। लॉग ऑफ निगेटिव इंटीजर एंड जीरो आर नॉट डिफाइंड, मैंने आपको बताया कि जो है कि बेस निगेटिव नहीं होती है, वन के भी इक्वल नहीं होता है, वैसे जो एक्स यहाँ पे है, एक्स ये कभी भी ना तो जीरो होगा और ना ही निगेटिव होगा, ठीक है। द बेस ऑफ लॉगरिथम इज नेवर टेकन एज जीरो निगेटिव एंड वन, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन इज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, तो आपने देखा कि उसका ग्राफ निगेटिव में भी जा रहा है और पॉजिटिव में भी, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं, कब इन ये प्रॉपर्टीज कब लागू होंगे, जब एक्स वाई दोनों जीरो से बड़ा हो, ठीक है, और ए जो है कि जीरो से बड़ा हो, ए जीरो से बड़ा हो और एक के इक्वल नहीं होने चाहिए, सिर्फ जीरो से बड़ा हो और एक के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी दोनों जो केस थे वो दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, और ये सारे प्रॉपर्टीज उन सभी केसेस पे लागू होंगे जिस पे लॉग का ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई टू बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, मतलब यदि ये मल्टीप्लीकेशन में हो तो यहाँ पे दोनों को तोड़ करके एड में डाल सकते हो, और डिवाइड में हो तो इसको यहाँ पे माइनस में कर सकते हो, इसको तोड़ करके, अगर यहाँ पे कोई पावर में हो तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। इस टाइप से इन सारे को मैं प्रूफ भी कर दूंगा, यदि आप चाहो तो मैं प्रूफ कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और यदि ऐसे हो ए बी और ए, तो आप अपने मर्जी से कोई भी बेस लेकर के अपॉन में दोनों को लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने मर्जी से कोई भी बेस लेकर, उसमें आपको जो है कि सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, जो कि बेस लागू हो सके, यानी जो क्या हो जीरो से बड़ा हो और एक के इक्वल ना हो, यानी निगेटिव भी ना हो, जीरो भी ना हो और वन भी ना हो, ठीक है, तो आप उसको लेकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी लॉग ऑफ बी और ए है तो इसको आप कुछ भी अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी टेन ले लो, इलेवन ले लो, और बी अपॉन, लेकिन सेम बेस होने चाहिए दोनों पे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे सेम ही बेस होने चाहिए, ठीक है ना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, और वन जो होता है ना, वन लॉग ऑफ वन टू बेस ए, वो ए कुछ भी हो, ठीक है ना, वो जीरो के इक्वल होता है, कुछ भी मतलब जो एक जगह पे आ सके, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, और बेस और यहाँ का दोनों वैल्यू यदि सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है, और ये तो आपको पता ही है शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो गया और इसका वैल्यू वन, तो आर हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन बी को हम लोग बी माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस आगे शिफ्ट हो गया तो माइनस ऑफ लॉग बी ए हो गया, और वैसे ही ये वाला, तो ये अपॉन में जो होता है ना, जो अपॉन में होता है वो अपॉन में आता है, जो बेस पे होता है पावर वो नीचे नीचे पे आता है और ये वाला ऊपर पे, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ मैं कराऊंगा, उसमें आपको सारे के सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रॉब्लम्स होंगे आपको, बट यहाँ पे जो है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, जो भी आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये जैसे आप इसको अच्छे से देखिए, लॉग ऑफ ए बी देख ही रहे आप, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, तो लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए लिख सकते हो आप इसको, और वहां इंटू लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ बी, और बी भी कट जाएगा, तो लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ ए यानी लॉग सी ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि ए के पावर एम है और यहाँ पे ए के पावर एन है, और ये जो है कि नीचे में आएगा और ये क्या ऊपर में आएगा, तो एन बाई एम, और ये जो है कि लॉग ऑफ ए टू बेस ए वन के इक्वल होगा, तो आपका
ये इतने प्रॉपर्टीज हुए, और क्वेश्चन बनाते वक्त जितने भी प्रॉपर्टीज आपको चाहेंगे वो मैं सारे के सारे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी मैं करा ही देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप कुछ ले लो, लॉग 100 to base 10, और इसके वैल्यूज क्या होंगे, तो लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर इसको तो कर ही सकते हो 100 को, और 10 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा यानी 2, और लॉग 10 to base 10, और इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा 2 के इक्वल हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के आपके प्रॉब्लम्स कुछ आएंगे, हाँ, आपको हर एक प्रॉपर्टीज के ऊपर एक एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो मैं दूंगा ही, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके क्लासमेट हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि वीडियो आखिर लगा कैसे आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।